विधायक राजेंद्र राणा ने राजनीतिक चश्मा पहन रखा है, जिसमें उन्हें अपने पुत्र के लिए कांग्रेस टिकट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात भाजपा प्रवक्ता दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। दीपक शर्मा ने कहा कि चश्मा उतारते ही राणा को ऊना जिला में IIIT PGI का सेटेलाइट हॉस्पिटल और दौलतपुर चौक पर रेलवे लाइन नजर आएगी। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, जबकि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, सात सेंट्रल स्कूल नजर आएंगे। हमीरपुर रेल लाइन के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धर्मशाला रैली में की गई घोषणा की गूंज सुनाई देगी। ये सब कार्य सांसद अनुराग ठाकुर की देन है। भाजपा प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि राणा और उनके पुत्र हवाई दौरे कर झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस में कोई सानी नहीं है। कांग्रेस नेता मात्र अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए व्यानवीर बनकर घूम रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और लोकसभा चुनावों में इसका कांग्रेस नेताओं को करारा जवाब मिलेगा। देखिए, ऐसा है, जो टपरे की सामान्य प्रधान साहिबा हैं उनके बारे में मैंने उनका पिछला वीडियो भी देखा और कल वाला वीडियो भी देखा है, और उनकी किसी के साथ जो बातचीत हुई है उसकी मैंने एक ऑडियो भी सुनी। ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका कल भी जो पत्रकारों के बीच था वो स्पष्ट बयान नहीं दे पाई कि उनको पहले कोई जबरदस्ती नहीं की गई और ना ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई जोर जबरदस्ती करके किसी को भी अपने साथ मिलाने के लिए कोई आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने ना पहले कभी किसी को किसी तरह से दबाव बनाकर अपने साथ जोड़ा है। जो भी मोदी जी की नीतियों का समर्थक है, जो भी देश में जो नवनिर्माण की एक यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति देना चाहता है, वो स्वतः इसमें जो है वो शामिल हो रहा है। अगर इस तरह की राजनीति राजेंद्र राणा जी कर रहे हैं, ये राजेंद्र राणा जी का पुराना एक स्टाइल है कि किसी तरह से वो वर्कर को जो है वो कुछ भी कहकर लांछन लगाकर जो है वो दूसरी पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम राणा जी को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पास रखिए उन लोगों को जो आपके साथ रहना चाहते हैं। भाई, हम किसी को नहीं कह रहे हैं। अब अगर आपकी कार्य प्रणाली को देखकर, आपकी जो पैसे की राजनीति है उसका पर्दाफाश होने के बाद अगर लोग सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं और अगर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और वो आ रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो हर उस रचनात्मक सृजनात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को शामिल करने के लिए स्वागत करते हैं उसका, जो देश निर्माण में इस तरह से जुड़ना चाहता है। एक और बात जो राजेंद्र राणा जी कहते फिर रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं, आज ही उन्होंने इस बारे में बयान दिया है कि प्रदेश में जो है वो तीन बार जो हैं वो माननीय सांसद अनुराग ठाकुर रहे, लेकिन कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। राणा जी, ये जो राजनीतिक चश्मा आपने पहन रखा है इसको उतारिए और उसके बाद आप जरा अपने अंतर्मन से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऊना की तरफ नज़र फैलाएंगे तो आपको ऊना में IIIT मिलेगा, आपको ऊना में जो है सैटेलाइट PGI का अस्पताल मिलेगा, आपको ऊना में जो है वो दौलतपुर चौक तक जो है वो रेलवे लाइन मिलेगी। अगर उस नज़र को आप हमीरपुर में देखें तो आपको हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बिलासपुर में अगर आप चाहें तो आपको वहाँ पे एम्स मिलेगा, आपको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे सांसद ने सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त जो अपने आप सृजनात्मक तरीके से कार्यक्रम तैयार किए हैं, चाहे वो सांसद स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम हो, चाहे वो खेल महाकुंभ हो, या फिर छात्रों को सांसद भारत भ्रमण की योजना हो, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हर नागरिक उसको समझ रहा है और वाह वाह कर रहा है। आपको सब नजर आएंगे। प्रश्न सिर्फ इतना है, आप अपना राजनीतिक चश्मा उतार कर अपनी नज़र ठीक करिए और आपको विकास तब नजर आएगा। मात्र आलोचना के लिए आलोचना करना, और उसका एक कारण है, इनकी ये जो दुविधा है, इस दुविधा का कारण ये है कि इनका पर्दाफाश होने के बाद लोग छोड़कर जा रहे हैं। आज सैकड़ों लोग जो हैं वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी राजेंद्र राणा की इस पैसे की राजनीति को देखते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब उसकी अगर इनको दुख है
या उसकी पीड़ा है या उससे ये विचलित हैं, तो भाई अपना कर्म सुधारिए, अपना काम सुधारिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो जोर जबरदस्ती के साथ जो है चाहें कि हम इस इनको यहाँ शामिल करें। हमारे पास लाखों करोड़ों लोग देश में जो हैं वो जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं कि देश निर्माण में, नव निर्माण में एक नया संकल्प लेकर ये सरकार जो है वो आगे आई है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब जनता साथ छोड़ देती है तो नेता लोग ऐसे जैसे कई तरह के गिमिक्स करते हैं जो राजेंद्र राणा जी कर रहे हैं।